नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले लेक्चर में मशीन के हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। अब जिसने मशीन के पिछले लेक्चर नहीं देखे वो मेरी मशीन की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हम ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मर में जब लोड लग जाता है तब वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें इमेजिनेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, टॉपिक हेडिंग मैंने लिख दी लेकिन जरा इसको ध्यान से देखना होगा क्या इसमें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड है पहले, तो सबसे पहले मान लो लोड नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मर पे लोड नहीं लगा होता, ठीक है, सेकेंडरी ओपन होती है तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, नो लोड प्राइमरी करंट ड्रॉ करता है, आई नॉट, ठीक है। आई नॉट जिसको क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट, ठीक है। आई नॉट ड्रॉ करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मर पे मान लो मैंने लोड लगा दिया, ये रहा लोड मैंने लगा दिया, अब मैंने लोड लगा दिया, लोड अगर मैंने लगा दिया ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी क्या होगी, क्लोज। अगर इसकी सेकेंडरी क्लोज हो गई तो सीधी सी बात है सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, कौन सा फ्लो करेगा, आई टू। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये I2 फ्लो करना शुरू करेगा, I2 इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे यहां से घूम के ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, इधर को जाएगा, ठीक है। I2 कैसे फ्लो करेगा, जैसे ही I2 फ्लो करना शुरू किया, अभी दिखाता हूं, I2 चलना शुरू हो गया, I2 ऐसे चलेगा, यहां से चलते हुए ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, I2, ठीक है, सेकेंडरी करंट। अगर सेकेंडरी करंट जैसे ही घूम के यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी करंट क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमएमएफ बनाएगा, सेकेंडरी एमएमएफ बनाएगा। इस सेकेंडरी एमएमएफ की वजह से एक फ्लक्स एस्टेब्लिश होगा, ठीक है भाई। जब सेकेंडरी करंट चल पड़ा सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी करंट जब इस नंबर ऑफ टर्न्स में से पास करेगा एन टू के, तो आई टू एन टू एमएमएफ बनाएगा, एमएमएफ से क्या बनती है, फ्लक्स बनती है। ये फ्लक्स क्या होगा, जब आई टू ऐसे चल के आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लक्स एस्टेब्लिश करेगा आई टू, आई टू फ्लक्स अपना एस्टेब्लिश करेगा कोर में किस डायरेक्शन में, ये जो मेन फ्लक्स है उससे उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। ये फाई टू इसने, ये फाई टू इसने एस्टेब्लिश किया किसकी डायरेक्शन में, ये जो मेन फ्लक्स था, ये मेन फ्लक्स किसने किसकी वजह से बना था, इस एक्साइटिंग करंट आई नॉट की वजह से। क्यों, आई नॉट जब आई नॉट जब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एन वन में से पास करा होगा, तो उसने मेन फ्लक्स एस्टेब्लिश कर दिया था। अब हमने क्या किया, सेकेंडरी पे लोड लगा दिया, सेकेंडरी पे जैसे ही लोड लगा दिया तो आई टू करंट भी फ्लो करना शुरू कर गया। आई टू करंट जब फ्लो करना शुरू किया तो उसने नंबर ऑफ टर्न्स एन टू में से पास होके आई टू एन टू एमएमएफ बनाई, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स फाई टू। अब ये फाई टू क्योंकि आई टू की डायरेक्शन उल्टी है, तो इस मेन फ्लक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हुआ है। देखो ऐसे लिख देता हूं, ये फाई टू जो है इसका मैंने एरो भी ऐसे बना दिया, ये मेन फ्लक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये फाई टू इस मेन फ्लक्स फाई एम, ये जो हरे से लिखा हुआ है ये मेन फ्लक्स है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, तो ये जो मेन फ्लक्स है हमारा इसको क्या कर देगा, वीक, ठीक है। इस मेन फ्लक्स को क्या कर देगा, यहां पे लिख भी लो, सेकेंडरी करंट आई टू की वजह से एक फ्लक्स फाई से फ्लक्स डिनोट किया, फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है जो कि ओपोज करता है नो लोड, जो कि ओपोज करता है मेन फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को, ठीक है ना। यहां पे भी लिख दो, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता है, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता है, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता है तो आई टू
जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता है तो सेकेंडरी, हाँ देखे अब ध्यान से समझे, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगता है तो सेकेंडरी करंट I2 की वजह से एक फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है Phi2, ठीक है ना, जो कि अपोज करता है मेन फ्लक्स को, ठीक है, ये मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, मेन फ्लक्स क्या पड़ जाता है, जिसकी वजह से फाई एम यानी मेन फ्लक्स वीक हो जाता है, ठीक है। अब मेन फ्लक्स हो गया वीक, अब इस मेन फ्लक्स की वीकनेस की वजह से, अब ये मेन फ्लक्स अगर वीक हो गया, ठीक है, तो क्या होता है यहां पे, अब यहां पे एक चेंज होएगा, अगर ये मेन फ्लक्स वीक हो गया ना, तो इस मेन फ्लक्स की वीकनेस की भरपाई करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी से एक एडिशनल करंट ड्रॉ होता है, एडिशनल काउंटर बैलेंसिंग करंट बोलते हैं उसको, आई डैश, ठीक है ना, यहां पे एक एडिशनल ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई से एक एडिशनल करंट ड्रॉ होगा आई नॉट के साथ, उसको बोलते हैं आई डैश, ठीक है, ये होता है आई डैश, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर बैलेंसिंग करंट, ये डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। काउंटर बैलेंसिंग करंट किस लिए आता है, ये जो मेन फ्लक्स अपोज कर रहा था ना, ये काउंटर बैलेंसिंग करंट फिर इस एन वन में से पास करके एडिशनल एमएमएफ जनरेट करेगा इस फ्लक्स फाइ टू फ्लक्स की ओपोजिशन को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ये किसकी ओपोजिशन में आया है, किसकी ओपोजिशन में आया है, आई वन डैश इस फाइ टू फ्लक्स को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो एक काउंटर बैलेंसिंग करंट क्या करेगा, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर को टीएफ से डिनोट करा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एडिशनल काउंटर बैलेंसिंग करंट ड्रॉ करता है आई वन डैश लिख दिया। अब ये आई वन डैश क्या बनाएगा, एमएमएफ बनाएगा, आई वन डैश एन वन, ठीक है किसको बैलेंस करने के लिए बनाएगा आई वन डैश एमएमएफ, ये फाइ टू फ्लक्स को काटने के लिए, ताकि ये फाइ टू अगर कट गया तो मेन फ्लक्स बराबर हो जाएगा पहले जैसा, ठीक है, इस फाइ टू की ओपोजिशन में आया हमारे, इस फाइ टू की ओपोजिशन को बराबर करने के लिए। और फाइ टू किसने बनाया था, इस आई टू की वजह से बना था, आई टू एन टू की वजह से। तो मुझे इक्वेशन कैसे लिखनी है, आई वन डैश एन वन बराबर आई टू एन टू, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आई वन डैश बाय आई टू इक्वल टू एन टू बाय एन वन लिख सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए, आई नॉट प्लस आई वन डैश किसके बराबर है, प्राइमरी करंट के टोटल, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। अब ये आई नॉट प्लस आई वन डैश किसके बराबर है, आई नॉट प्लस आई वन डैश टोटल प्राइमरी करंट के, ठीक है। तो आई नॉट प्लस आई वन डैश अपने आप, आई वन डैश ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे अप्रोक्सीमेटली, ये काउंटर बैलेंसिंग करंट थोड़ा सा ही होता है, तो क्या मैं इसको आई वन डैश को, और ये तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो ये अगर मैं आई नॉट प्लस आई वन डैश टोटल को आई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, आई वन लिख दूंगा बाय आई टू बराबर एन टू बाय एन वन, ठीक है। और याद रखना, ये हमारे पास करंट वाली इक्वेशन आ गई इससे ही, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमेशा हमारे पास ड्राइव होती है, ठीक है, आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखना, फाइनल इक्वेशन को, ठीक है, इस फाइनल इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। और याद रखना, जब ये आई वन डैश इस फाइ टू जब हमारा आया था, तो आई वन डैश ने एडिशनल एमएमएफ एस्टेब्लिश की, जिसकी वजह से फाइ टू मिट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अब, ठीक है, क्यों, इसने एडिशनल करंट आई वन डैश ड्रॉ हुआ, इसकी वजह से एडिशनल एमएमएफ बनी हमारी, जिसने काउंटर बैलेंस किया किस एमएमएफ को, सेकेंडरी एमएमएफ की करंट की वजह से जो एमएमएफ बनी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से फाइ टू हट गया, और मेन फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर का फिर उतना का उतना ही रह जाता है जितना स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स जो रहता है वो नो लोड से फुल लोड तक कॉन्स्टेंट होता है इसी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, ये जो आई वन डैश ड्रॉ करता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
काउंटर बैलेंसिंग करंट बोलते हैं। तो ये याद रखना हमेशा कि ट्रांसफॉर्मर पे जब भी लोड लगता है उसका फ्लक्स सेम का सेम रहता है, ठीक है। नो लोड से फुल लोड तक फ्लक्स हमेशा सेम रहता है, तो सेम फ्लक्स हमेशा लगेगा जब भी कभी नो लोड होगा या फिर कभी भी लोड लगेगा। थैंक यू।